फिल्म इंडस्ट्री को लग चुका है एक के बाद एक बड़ा झटका। 7 जून 2020 को यह अभिनेता भी चल बसे। लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड ने अपने तमाम नगीनों को अलविदा कह दिया। वो कलाकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नए पायदान तक पहुंचाया था, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं उन कलाकारों के बारे में जिनका इस लॉकडाउन में निधन हो गया। नंबर एक, इरफान खान। बॉलीवुड को पहला झटका लगा इरफान खान के जाने पर 29 अप्रैल को। लंबी बीमारी के बाद जादुई आंखों वाले इस एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर दो, ऋषि कपूर। बॉलीवुड इस सदमे से उबरने की कोशिश ही कर रहा था जब 30 अप्रैल को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर चल बसे। नंबर तीन, मोहित बघेल। कॉमेडी शो छोटे मियां से पॉपुलर हुए एक्टर मोहित बघेल का 23 मई को निधन हो गया। वह लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे। नंबर चार, प्रेक्षा मेहता। 25 मई को प्रेक्षा मेहता के सुसाइड की खबर ने देश को चौंका दिया। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में सराहनीय काम किया था। नंबर पाँच, योगेश गौर। कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसे तमाम गाने लिखने वाले रिएक्शन राइटर लिरिक्स राइटर योगेश गौर ने 29 मई को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर सात, शफीक अंसारी। लॉकडाउन के दौरान ही एक्टर शफीक अंसारी का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वह भी लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रहे थे। नंबर आठ, मनमीत ग्रेवाल। एक्टर मनमीत ग्रेवाल की मौत की खबर भी सब के लिए सदमा देने वाली थी। आदत से मजबूर और कुलदीप जैसे शो में काम कर चुके मनमीत ने पैसों की तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। नंबर नौ, वासु चटर्जी। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर वासु चटर्जी का निधन 4 जून को हो गया। 93 वर्षीय वासु चटर्जी उम्र से होने वाली दिक्कतों से परेशान थे। नंबर दस, चिरंजीवी सरजा। कन्नड़ फिल्म में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देकर मशहूर होने वाले अभिनेता चिरंजीवी सरजा का भी 7 जून रविवार की रात को हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। तो दोस्तों, इन सितारों में से किसके चले जाने पर आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।